हाय गाइस, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी। आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ ये वाला बन हेयर स्टाइल जो कि है रो ब्रेड्स के साथ। तो बिना ज़्यादा बातें के फटाफट से हेयर स्टाइल शुरू करते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले मैंने किया है सेंटर पार्टिंग, जो इस हेयर स्टाइल के लिए करना ज़रूरी है। उसके बाद मैं रो ब्रेड बना रही हूँ। रो ब्रेड बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। जो वीडियो है, मेरे एक और वीडियो मैंने बनाया था उसका एक्सटेंशन वीडियो है, अगर वो आपने देखा है तो ये वाले स्टेप्स सेम हैं। तो करना क्या है कि रो ब्रेड बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, दो इक्वल सेक्शंस में डिवाइड किया है। जो राइट हैंड में मेरा सेक्शन है उसको मैं बाहर की साइड पे ट्विस्ट कर रही हूँ 3 times। उसके बाद मैं उस सेक्शन को ऊपर की साइड से लेके इन दोनों सेक्शंस को आपस में ट्विस्ट कर रही हूँ। बोलने में थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, पर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्टेप्स को 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। और ये वाली टेक्निक मुझे बहुत अच्छी लगी और ईजीएस्ट लगी। रो ब्रेड बनाने की और भी टेक्निक्स हैं, अगर आपको कोई और इजी लगती है तो आप वो वाला ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको रो ब्रेड बनाना नहीं आता है तो आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आई एम श्योर आप आसानी से बना पाएंगे इसके बाद। अब इस सेक्शन को फिलहाल के लिए मैंने कर दिया है सिक्योर टिकटैक पिन से, क्योंकि जिससे कि वो बीच में डिस्टर्ब नहीं गए। उसके बाद एग्जैक्टली उसके नीचे एक और मैं रो ब्रेड बना रही हूँ, सेम प्रोसेस यूज़ करके, एग्जैक्ट सेम मेथड। आप दूसरी साइड पे भी एग्जैक्ट सेम प्रोसेस करना है। उसके बाद उसमें भी जो राइट हैंड में, ध्यान रखिएगा, जो राइट हैंड में सेक्शन होता है उसको मैं बाहर की साइड पे ट्विस्ट करें, ना कि वो वाला सेक्शन जो कि आगे की साइड पे है। तो उस सेक्शंस को फिर से मैं उस वाले सेक्शन को बाहर 3 बार ट्विस्ट करके, आपस में सेक्शंस को ट्विस्ट करके, उस सेक्शन को ऊपर की साइड से लेके मैं रो ब्रेड बनाऊंगी। फिर से हम उसके नीचे एकदम जैसे हमने दूसरी साइड पे बनाया था उसके एग्जैक्ट नीचे एक और रो ब्रेड बना लेंगे। और हमें इन रो ब्रेड्स को मैंने सिक्योर किया है नॉर्मल ब्लैक कलर ऑफ बैंड्स जो आते हैं उसकी हेल्प से। अगर आप लोग सिर्फ हेयर स्टाइल्स वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर स्टे चार्मिंग। वो मेरा जो चैनल है दैट इज ओनली अबाउट हेयर स्टाइल्स। अब ये जो दोनों रो ब्रेड्स होंगी उसको मैं बैक साइड में सिक्योर कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ बॉबी पिंस। आप चाहे टिकटैक पिंस यूज़ कर सकते हैं, पर टिकटैक पिंस बहुत ज़्यादा विजिबल होंगी तो उतनी अच्छी नहीं लगेंगी। तो मेरा सजेशन यही है कि आप भी बॉबी पिंस का ही यूज़ करें। उसके बाद इनको सिक्योर करने के बाद मैं बनाऊंगी बन। बन बनाने के लिए भी फिर से वही है कि आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, या तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उस तरीके से, या नॉर्मली आप बालों को ऐसे ही ट्विस्ट करके बन बना लीजिए, सिक्योर कर दीजिए फिर बॉबी पिंस की हेल्प से। कोई भी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको इजी लगती है। ये जो हेयर स्टाइल है आप ये बहुत लंबे टाइम तक रहेगा, बहुत स्टाइलिश लगता है। आप चाहें तो इसमें कोई रोज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई सुंदर सी हेयर एक्सेसरीज यूज़ कर सकते हैं और ये खुलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप ये गाउन्स के साथ भी बना सकते हैं, ये साड़ी के साथ भी जाएगा ये, या फिर वैसे कोई भी ड्रेसेस के साथ जाएगा एंड इट लुक्स अमेजिंग और बहुत ही डिफरेंट भी है। आई एम श्योर ऐसा सिमिलर हेयर स्टाइल आपने कम ही देखा होगा। तो अब हमारे हेयर स्टाइल बस टिकटैक पिन से यू पिन की हेल्प से इनको सिक्योर कर दिया, हेयर स्टाइल रेडी। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो आपको। अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। मेरी फैमिली का पार्ट नहीं बने हैं तो जल्दी से बन जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।